इस मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों से मिलते हैं। इनका नाम जेसिका, केलिब और टेरेसा होता है। ये तीनों अपने वीकेंड बनाने एक लेक साइड में आए थे, जहां पर जेसिका की हालत हमें कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही है। टेरेसा अब जेसिका को चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहां पर जेसिका सो रही थी। और यहां पर हम टेरेसा को एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जिसका नाम विदरिंग हाइट्स होता है। मैं आपको बता दूं कि ये बुक असली दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि जेसिका अचानक उठ जाती है और वो अपने वॉइस में उस किताब की कुछ लाइन को पढ़ने लगती है, जो कि सुनने में काफी क्रीपी लग रहा था। टेरेसा जब जेसिका को चेक करने के लिए उसके करीब जाती है, तो जेसिका अचानक उसकी सर के बाल नोचने लगती है। टेरेसा किसी भी तरह उससे बच के बाहर आती है, जहाँ पर केलिब अपना ड्रोन उड़ा रहा था। उसी वक्त जेसिका भी वहाँ पर आती है और वो खुद को उस ड्रोन से मार के पानी में गिर जाती है। केलिब जब जेसिका को बचाने के लिए पानी में उतरता है, तो पानी के अंदर जेसिका उसकी सर से धड़ अलग कर देता है, जिसके बाद वो पानी के ऊपर उड़ने लगती है। और यही पे इस मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। अब यहाँ से कहानी एक दिन पहले जाती है, जहाँ पर हम किसी क्लब में बेथ नाम की एक औरत को देखते है, जो की एक बाथरूम में जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते है की वो प्रेगनेंट थी भी। इसके बाद बेथ अपने सिस्टर एली से मिलने जाती है, जहाँ पर हम एली की फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं। एली की तीन बच्चे थे और इनमें सबसे बड़ा डैनी, जिसके बाद ब्रिजेट और कैसी थी। एली 2 महीने पहले अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी और उसका हस्बैंड अपने बच्चों के लिए पैसा बेचता था, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करती है। फिर हम जान पाते हैं कि बेथ अपने म्यूजिक करियर के लिए हमेशा बाहर रहती है, और इन दिनों इन दोनों बहनों में थोड़ी दरारी आ गई थी, तो इसलिए दो बहन मिलकर बातें करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक आतंक होता है, जिससे कि उनका बिल्डिंग पूरा तहस नहस हो जाता है। और वैसे भी उनका बिल्डिंग पुराना हो चुका था। अब आतंक के समय इधर तीनों बच्चे अपना पिज्जा लेकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें पार्किंग लॉट में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। डैनी उस होल के अंदर एंट्री लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले यहाँ पर एक बैंक हुआ करता था। डैनी वहाँ पर छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे अचानक एक किताब और रिकॉर्डर मिलता है। साथ ही वहाँ पर उसको एक पुराने फोटो भी दिखाई देता है, जहाँ पर हम तीन फादर को देख पाते हैं। डैनी रिकॉर्डर और उस बुक को अपने साथ ले आता है, जिसे ब्रिजेट बहुत ही मना कर रही थी ऐसा करने के लिए। तो घर पे आके डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पर कुछ अजीब से दांत थे। उन दांतों से डैनी के हाथ में एक कट लग जाता है, जिससे कि उसका खून उस किताब में गिरता है, और खून गिरते ही वो किताब अपने आप खुल जाता है। ब्रिजेट अभी भी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डैनी उसकी बात टाल देती है। डैनी उस रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्डर पर चलाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये एक बुक ऑफ द डेड है। ये किताब इंसान की स्किन से बनाया गया है और खून से इसको लिखा गया है। इस किताब के बारे में कुछ प्रीस्ट रिसर्च कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। प्रीस्ट रिकॉर्ड में कह रहे थे कि उस बुक में जो लिखा है वो इस दुनिया का नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगता है, जिसकी वजह से एक डेमोनिक एंटिटी आजाद हो जाती है और उसे हम देख नहीं पाते है। दूसरी तरफ एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी और उसी वक्त वो डेमोन उसे पजेस कर लेती है। इसके बाद एली अजीब तरीके से वॉक करते हुए अपने घर में लौटती है और अंडे फोड़ फोड़ कर वो कुक करने लगती है। वो सबके सामने अपने ही परिवार को मारने की बात करती है, जिसके बाद वो उल्टी करके मर जाती है। अब ये देखकर वो सभी डर गए थे और आसपास के दो पड़ोसी उनके घर में आती है। इनमें एक यंग लड़का, उसका नाम था गेब, और एक बुरा आदमी था, उसका नाम था मिस्टर फोंडा। गेब यहाँ पर एली की आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एली की आंख अपने आप ही खुल जा रही थी। गेब फिर सबके साथ प्रे करता है और मिस्टर फोंडा से वो इस बिल्डिंग से निकलने का प्लान करने लगता है। दरअसल आतंक की वजह से इस बिल्डिंग से निकलने का सभी रास्ते बंद हो गए थे और इमरजेंसी गेट भी लॉक हो गई थी, जिसे ये दोनों खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। इधर बेथ अपनी बहन की मौत से अपना दुख जता रहा था कि तभी उसकी फोन में एली की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे मदद मांग रही थी। वही सामने में एली जिंदा हो जाती है और उसे अब देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। बेथ को ऐसा लग रहा था कि एली की शरीर तड़प रहा है और वो बच्चों की मदद से एली की बॉडी को बाथटब में डाल देता है। और तभी अचानक एली छत के ऊपर उल्टा लटक जाती है और सबके ऊपर हमला कर देती है। एली जब चीखती है तो उसकी आवाज से सभी घर के शीशे टूट जाती है और एक बड़े कांच के टुकड़े लेकर वो अपनी बहन बेथ के हाथ में स्टैप कर देता है। फिर वो अपने टैटू करने वाले मशीन से ब्रिज की गाल को खरोच देती है। इतने में वहां पर डैन आ जाती है और वो एली के ऊपर अटैक कर देती है। हाथापाई में एली घर से बाहर हो जाती है, जिसके बाद ये लोग घर बंद कर देते हैं। बाहर हम जानते हैं कि गेब और फोंडा था, जो कि इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। एली उन दोनों को मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि वो कैसी को बहलाने लगता है ताकि वो दरवाजा खोल दे। अब आसपास कोई नहीं था तो कैसी उस दरवाजे को खोल देती है और दरवाजा खुलते ही एली केसी की गला पकड़ लेती है, लेकिन अहम वक्त पर बेथ और डैनी उसे बचा लेती है और उस दरवाजे को लॉक कर देता है। दूसरी तरफ ब्रिजेट को जो कट लगा था वो इन्फेक्टेड होने लगता है और वहां से काला लिक्विड निकलने लगता है। इसके बाद वो भी पजेस हो जाती है और कांच खाने लगती है।
अब घर के अंदर ब्रिजेट सभी के ऊपर हमला कर देती है और इन हाथापाई के बीच कैसी अपने हाथ में रहे एक स्टिक को ब्रिजेट की सर में स्टैप कर देती है, जिसके बाद ब्रिजेट मर जाती है। पर सभी जानते हैं कि ब्रिजेट फिर से उठ जाएगा, जिसलिए डैनी उसके हाथ और पाँव बांध देता है और बेथ से कहता है कि ये गलती मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जब इस बुक को खोला था तो एक डेमोन आजाद हो गया था। बेथ फिर उस बुक को चेक करता है, जिसके बाद वो उस रिकॉर्डर को चलाता है ताकि उसे पता चले कि इस डेमोन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ पजेस्ड एली, जो कि अपार्टमेंट से बाहर थी, वो एक कैट को एक जगह से बाहर आते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि अंदर कैसे जाना है। दूसरी तरफ ब्रिजेट, जो कि अब जाग गई थी, वो अपने बंधन से आजाद होकर डैनी के ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर खून की उल्टियां करने लगती है। डैनी फिर मौका पाते ही स्प्रे और फायर की मदद से ब्रिजेट को जला देती है, पर डैनी अब तक पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और अब वो मरने वाला है, मतलब कि वो भी अब पजेस्ड होने वाला है। दूसरी तरफ एली एक छोटे जगह से घर के अंदर एंट्री लेती है और वो बेथ के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर एली के अंदर जो डेमोन था उसे समझ आ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसकी पेट को नोचने की कोशिश करने लगता है। साथ में वो ये भी कहता है कि आज वो दो सोल्स को डिवाउट करेगी। अब ऐसे में कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है। बेथ उस सीजर को एली की नाक में घुसा देता है और एली कुछ देर के लिए रुक जाता है। बेथ अब कैसी को लेकर इस बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ना ही लीप चल रहा था और ना इमरजेंसी गेट खुला था। बेथ को यहाँ पर मिस्टर फोंडा का शॉटगन दिखाई देता है। वो जब उसे लेता है कि तभी वहाँ पर एली आ जाती है। बेथ एली को शूट करता है, जिससे उसका हाथ पैर कट जाता है, लेकिन अब तक बाकी मरे हुए लोग भी पजेस्ड होकर उठ खड़े होते हैं और वो एली की पेट को नोच कर उसके अंदर काइंड ऑफ मर्ज होने लगता है, ताकि वो सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाए। इधर बेथ कैसी को लेकर लीप के अंदर जाती है, जहाँ पर वो लीप अपने आप ऑन हो जाती है, लेकिन तभी उस लीप में अपने आप खून बनने लगता है और वो लीप जब नीचे पहुँचता है तो हम एक खून की सैलाब देखते हैं, जिसके साथ बेथ और कैसी भी बाहर आती है। अब बेथ और कैसी एक कार में आके बैठती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है। इधर हम एली को देखते हैं, जो कि सभी मिलके मार्ज हो चुके हैं और देखने में ये एक स्पाइडर के जैसे लग रहे थे। बेथ यहाँ पर पार्किंग के दरवाजे क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा बंद होने से पहले वो डीमोन कैसी को अपने तरफ खींच लेती है। ऐसे में कैसी को बचाने के लिए बेथ को बाहर आना पड़ती है। अब इससे पहले वो डीमोन कैसी को मार डालता, उससे पहले बेथ आके उस डीमोन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर अब बेथ और डीमोन के बीच एक फाइट होती है। कैसी भी यहाँ पर बेथ की मदद करती है और अंत में बेथ एक चेनसॉ की मदद से उस डीमोन को काट डालती है और उसे एक बड़े से श्रेडर के अंदर डाल देती है, जहाँ पर उसका पूरा शरीर श्रेड हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एली का मुंडी बचता है, जो कि अभी उल्टा सीधा बोल रही थी, और ऐसे में बेथ उस मुंडी को भी उस श्रेडर में डाल देती है, जिसके बाद बेथ और कैसी वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पर रहती थी। वो पार्किंग लॉट में आती है ताकि वो अपने कार लेकर टेरेसा के साथ वेकेशन मनाने जा सके, लेकिन यहाँ पर वो पार्किंग लॉट में बहुत ही खून देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं और समझ पाते हैं कि भले ही एली मर गई हो, लेकिन वो एंटिटी अभी भी आजाद है और उसे कैद नहीं किया गया है। जिसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग में देखा है कि जेसिका ने क्या किया है, और यहाँ पर ये मूवी एंड होता है।